नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल टेली फिल्मी में। तो आज हम बात करेंगे जिंदा 2 के बारे में। फिल्म मेकर संजय गुप्ता ने साल 1994 में संजय दत्त आतश मूवी के साथ अपने डायरेक्शन की शुरुआत की थी। तब से उन्होंने संजय दत्त के साथ कितनी बड़ी फिल्म दी और दोनों ने कांटे जिंदा और शूट आउट लोखंड वाला समेत 8 फिल्मों में एक साथ काम किया। अब हाल ही में खबर आई है कि डायरेक्टर संजय गुप्ता और संजय दत्त 14 साल बाद फिर एक साथ काम करेंगे। फिल्म मेकर संजय गुप्ता और एक्टर संजय दत्त ने साल 2006 में आई एक्शन थ्रिलर फिल्म जिंदा की सीक्वल के लिए हाथ मिलाया। करीबी सूत्र का कहना है कि संजय दत्त काफ़ी समय से संजय गुप्ता के साथ काम करने की योजना बना रहे थे, क्योंकि दोनों की साथ में आखिरी बार फिल्म 2007 में आई शूट आउट एक लोखंड वाला थी। उसके बाद दोनों साथ आना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बनी। संजय दत्त की कॉमेडी और संजय गुप्ता के प्रोडक्शन हाउस वाइट फीचर फिल्म जिंदा के सीक्वल फिल्म को प्रोड्यूस करेगा। सीक्वल की कहानी पूरी तरह से अलग होने वाली है। इसका पहले हिस्से यानी कि जिंदा से कोई भी लेना देना नहीं है। ये फिल्म 1 सितंबर 2021 पे फ्लोर पे जाने वाली थी, लेकिन अब इसे साल के अंत तक के लिए टाल दिया गया। संजय गुप्ता ने जॉन अब्राहम को संजय दत्त के साथ सेकेंड लीड रोल ऑफर किया, पर सुना है जॉन अब्राहम ने अभी तक हाँ नहीं बोला है। दूसरे लॉकडाउन के बाद चीजें साफ नहीं है। हमने ये भी सुना है कि संजय गुप्ता सेकंड लीड के लिए पहले अभिषेक बच्चन को पिक करने वाले थे, लेकिन अभिषेक ने भी मना कर दिया। इसके बाद फिल्म मेकर जॉन अब्राहम के पास गए, पर जॉन अब्राहम के पास बहुत काम होने के कारण अभी तक सिचुएशन क्लियर नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि मुझे ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।